आदो आगे एक और बार फिर से स्वागत है तुम्हारा माय गेमिंग क्लब में, और मैं हूँ फ्लैंको। और लास्ट टाइम यहाँ पर अपडेट कुछ हुआ है तो वही मैं अपडेट दिखाने वाला हूँ, और साथ के साथ हम अपनी शॉप को भी अपग्रेड करने वाले हैं। काफी मजा आएगा आज, तो इसे खोलो जल्दी से। और यहाँ पर जो स्टॉल था ना, उधर अब हॉट डॉग वाला स्टॉल लग चुका है। वैसे यहाँ पर खाली खाली था पहले, बट अब यहाँ पर हॉट डॉग बेचा जाता है भाई, तो हम यहाँ से ले सकते हैं हॉट डॉग। तो यहाँ से इसे खरीद लो और $1 में इसे भी खरीद लो। तो चलो ठीक है, हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिए, मेरे को बस सिर्फ प्यास थी, भूख नहीं थी, तो यहाँ से मैं हॉट डॉग भी ले सकता था वैसे। चलो इसे खा लेते हैं, पी लेते हैं भर भर के। और एक चीज़ देख रहे हो तुम, वो ये है कि भाई यहाँ पर हमारी हैप्पीनेस बढ़ रही है 5%। ये कूड़ा मैं उठा के इधर फेंक देता हूँ, तो अब अच्छा लग रहा है। खाना खा लिया है मैंने अच्छे से, पेट भरा हुआ है मेरा, पानी मैंने पी लिया है, वैसे पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक पी है। और यहाँ पर भाई हमारा पेट्रोल कम है, मेरे को पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, तो पेट्रोल पंप चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अभी पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर हमें इसे खोलना पड़ता है, उसके बाद में हमें पेट्रोल बताना पड़ता है कितना पेट्रोल हमें चाहिए, फिर पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाकर हमें कहीं पेट्रोल मिलता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, पर अच्छी चीज़ यह है कि ये डिटेलिंग में है भाई, हर एक चीज़ डिटेलिंग में इस वाली गेम में, तभी मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है ये गेम। हाँ तो मैं बोल रहा था कि आज हमें पता क्या करना है, हमने अपनी शॉप को अपग्रेड करना है, और हाँ वैसे हमें ना मार्ट भी जाना है, क्योंकि हमने जो वेंडिंग मशीन ली है ना, वेंडिंग मशीन में सामान नहीं है, और मुझे वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, इसीलिए मुझे वेंडिंग मशीन के लिए सामान भी चाहिए। तो मुझे यहाँ से पेट्रोल पंप भराने के बाद में, पेट्रोल भराने के बाद में वहीं जाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। और वैसे तुमने एक चीज़ देखी, वो ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं भाई, यहाँ पर 25 लीटर पेट्रोल $50 का आया था। वैसे लास्ट टाइम अगर मैंने जब भरा था तो 20 लीटर पेट्रोल कितने का था, तुम में से किसी को याद है? याद है तो कमेंट मारकर बताओ, उसे मिलेगा शाउट आउट अगली वीडियो में। तो चलो पेट्रोल मैंने भर लिया है भाई, खा मैंने लिया है, पी भी मैंने लिया है, मैं जा रहा हूँ सीधा ही अपनी मार्ट वाली शॉप पर। तो वहाँ से मुझे सामान चाहिए थोड़ा बहुत, वो सामान मुझे लेके जाना है अपनी शॉप में और वहाँ लगाना है, और उसके बाद हमने शॉप को भी अपग्रेड करना है, तो बहुत काम है भाई। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, इसे बंद कर दूँ पहले, पेट्रोल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, महंगा भी हो गया है। और एक मिनट, लॉक तो मैंने इसे करा ही नहीं। चलो अब हमारी कार लॉक हो चुकी है, और हम आ चुके हैं 24 आवर में, ओपन 24 आवर में। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा, और यहाँ पर कुछ चीज़ें नई भी ऐड हुई है, तो ये मैं सारा सामान मैं भर लूँ अपनी शॉप के लिए। हाँ तो मैं बोल रहा था कि क्यों ना भाई शॉप को अपग्रेड करने के बाद में तुम मुझे कमेंट मारकर बताओ कि भाई हम कौन सा पीसी बनाएं, क्योंकि मुझे यार पीसी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है नहीं, तो हो सकता है कि मैं ना मदरबोर्ड कोई और ले आऊँ, और फिर प्रोसेसर उसमें जो लगाऊँ वो प्रोसेसर उसमें अटैच ना हो, ग्राफिक कार्ड कोई और ले आऊँ जो कि अच्छे से चले ना, है ना। तो इसीलिए तुम मुझे कमेंट मारकर मुझे बताना कि कौन सा पीसी बनाएं हम, और पूरे डिटेलिंग में बताना कि भाई कौन से पीसी में कौन सा सामान लगेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे सामान ले लिया, और हाँ इसमें नया लिस्ट भी हुआ है सामान प्रोडक्ट, तो वो देखते हैं। ये रहा वही भी वो नया सामान, तो ये स्ट्रॉबेरी वाली भाई चॉकलेट है क्या है मुझे कब समझ नहीं आ रहा, इसके बारे में तुम मुझे कमेंट मारकर बताओ भाई क्या चीज़ें। तो देखो कितना सारा सामान हमने यहाँ ले लिया भाई, तो इसे मैं पे कर देता हूँ। तो 281 थे ना हमारे पास में, और 258 कुछ हो गया है भाई, तो अच्छा खासा हमारा खर्चा हो गया भाई स्टार्टिंग में ही, पर कोई बात नहीं, हम इससे भाई डबल ट्रिपल पैसे कमा लेंगे। इसे उठा लो और इसे रख दो। हाँ तो मैं बोल रहा था कि आज मैंने ना अपनी शॉप को अपग्रेड करने के बाद में साथ के साथ है ना वहाँ पर सोफे रखने, मुझे टेबल रखनी है जिससे हमारे कस्टमर आकर बैठ के काम कर सके भाई अपना, और गेमिंग हमारा वाला काम अच्छा चले, ठीक है। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ और इसे खोल के साइड में रख देते हैं। हाँ तो इसे बंद करो पहले, यहाँ पे नहीं रखूँगा भाई, लास्ट टाइम यहाँ रखा था तो गिर गया था, इसे रखो और शॉप पे चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ भाई शॉप पे, और यहाँ पर मैंने सारा सामान अपना सजा लिया है वेंडिंग मशीन में, और ये जो बचा कुछ सामान है ना ये मैंने अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए साइड में रखा है। चलो ठीक है, यहाँ पर इसे क्लोज कर दो, अरे रुको एक मिनट ये क्लोज नहीं हुआ, इसे उठा लूँ, आप क्लोज कर देते, अब हो गया क्लोज। तो देखो वेंडिंग मशीन में सारा सामान भर दिया, और इसमें पैसे कितने, सिर्फ $9 पड़े, कोई बात नहीं आपसे हमारा भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। चलो ये उठा लेते हैं और इसे भी उठा लूँ मैं, और यहाँ पर मुझे अपग्रेड करना है, तो यहाँ पर वॉल मुझे पूरी पेंट करनी पड़ेगी, फ्लोर साथ के साथ में सीलिंग, भाई साहब बहुत काम है, यानी कि बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा खर्चा होएगा आज हमारे ऊपर। यारे यार ये गिर गया यार, कूड़ा मुझे नहीं फैलाना ना, इसे रखो और ये भी लो। चलो अब सही है, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सामान लेने, क्योंकि पास में ही हमारी शॉप, तो यहाँ से मैं सारा सामान ले गया था। तो देखो फ्लोर के लिए काफ़ी कुछ पड़ा है, बट मैं फ्लोर पर ना गेमिंग वाला ये वाला लगाने वाला हूँ, ये दो, एक वाइट है एक येल्लो है, तो येल्लो वाला ले लेते हैं एक, और वाइट वाला भी सारा ले लेते हैं, क्योंकि यही दो मैं लगाने वाला हूँ, हमारी जो शॉप का थीम है ना वो गेम वाला है, तो मैं यही चीज़ें लगाऊंगा। चलो इसे उठा लेते हैं, ये रखो, और अभी मैंने ज़्यादा सामान ले लिया है,
तो इसे मैं पे कर देता हूँ। देखो ज़्यादा नहीं है वैसे, तो पे कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो भाई ये 300 कुछ डॉलर का पड़ गया मुझे। कोई बात नहीं, हम इसे रख लेते हैं अपनी जेब में और अभी जाकर अपनी शॉप को अपग्रेड करना शुरू करते हैं भाई। अच्छा सा लुक देंगे इसे हम, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अजीब लगे पर हम अच्छा सा लुक देने की ट्राई मारेंगे अच्छे से। चलो यहाँ पर देखते हैं कि एक, अरे यार ये सारी टाइलें गिर गई मुझसे। हाँ तो मैं देख रहा था कि एक बॉक्स में कितनी टाइलें आती हैं, तो चलो लगा देते हैं एक बॉक्स में। तो यहाँ पर एक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, छः, ठीक है। ये तो एक बॉक्स में 6 टाइलें आती हैं, तो 3 बॉक्स में मेरा काम चल जाएगा। यहाँ पर भी लगा देते हैं, ये लो, और यहाँ पर ये लो, ये लो, ठीक है, और ये लो, और ये भी। और जो सेंटर है ना, यहाँ सेंटर में यह येलो वाली टाइलें लगाऊंगा जिसके अंदर लोगो होगा रिमोट का, गेमिंग रिमोट का येलो वाला, क्योंकि यहाँ पर अच्छा सा लुक आएगा ना। अगर मैं सारा ही वाइट कर दूंगा तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पर येलो वाला लेके नहीं आया मैं, ये रहा येलो, ये रहा, इसे यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो सेंटर से आ रहा, अब मेरे को यहाँ से इसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो मुझे वाइट वाले भी चाहिए, तो तभी हो पाएगा यहाँ पर ये। रुको एक मिनट, वाइट वाले रुको, पहले मैं देख लूँगी कैसे लगाना है। यहाँ कोने से वाइट येलो वाले लगाते हुए चलेंगे हम, तो पहले येलो वाले लगाता हूँ फिर उसके बाद वाइट वाले लगाएंगे। और साथ के साथ में ना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वॉल पेपर भी ले लूँ यहाँ से, है ना। तो देखो सीलिंग वाला यहाँ पड़ा है, ये रहा, ये ब्लैक वाले हैं और इसके साथ में वाइट वाले पड़े हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें पहले मैं ये लगा लूँ, खरीद लूँ, फिर उसके अंदर तुम्हें दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ये। तो देखो मैंने इसे लगा दिया है और मैं इसे साफ़ करने में लगा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा गंद मस्ता है हमारे यहाँ पर। ये जो हमारे कस्टमर है ना भाई, अगर कोई एक कस्टमर भी आएगा ना तो देखो, वो देखो अभी अभी मैंने साफ़ किया ये और सारा सारा गंद मचा के जा रहा है। ये देखो जूते की दिखा, देखो पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये। तो देखो मैंने इसे अपग्रेड कर दिया है और फ्लोर कैसा लग रहा है कमेंट मारकर मुझे बताओ, ठीक है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो मुझे अभी वॉलपेपर चाहिए, तो मैं वॉलपेपर लेके आया हूँ, ठीक है। तो वॉलपेपर मैं यहाँ लगा देता हूँ। वैसे ना मैं देखो थोड़ा बहुत ही डिज़ाइन करूँगा, ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई तुम मुझे कमेंट मारकर मुझे बताना कि भाई मुझे कौन से वॉल पर कौन से वाला वॉलपेपर लगाऊँ, ठीक है, किस साइड में। तो उसके लिए हो सकता है कि मैं लाइव कर सकता हूँ संडे को, तो संडे को हम इसे अच्छे से अपग्रेड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मुझे निकालने के लिए भाई वो चाहिए भाई पुलर, तभी हो पाएगा ये, टीयर ऑफ चाहिए, तो मैं वो भी ले आता हूँ, इसे क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से। तो देखो मैंने भाई थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लिया है और मैंने ना वॉलपेपर चिपका दी, और यहाँ पर ही मैंने वाइट वाली जो टाइलें हैं ना वो मैंने बीच में लगा दी है। तो इसे मैं यहाँ फेंकता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कैसा लग रहा है अब हमारा गेमिंग कैफे। तो देखो अब देखो कैसा लग रहा है, कमेंट मारकर मुझे जरूर से बताना, ठीक है। ये नहीं निकला, पता नहीं किस काम आएगा ये। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत मिक्स करने की ट्राई मारी है वॉलपेपर्स को सारे, देखो यहाँ पर सारे मैंने मिक्स कर दिए। और जो मैंने रूफ है ना सीलिंग के लिए भाई मैंने अलग ही यूज़ करा है। देखो सीलिंग के लिए मैंने ब्लैक वाली साइडों में लगाई है, ठीक है, पट्टियाँ, और सेंटर मैंने खाली छोड़ रखा है अभी के लिए, क्योंकि मैं ना यहाँ पर वुडन वाला लगाऊंगा और सेंटर में वाइट वाला लगाऊंगा, ठीक है, तो अच्छा ज़्यादा लगेगा ये। तो वो भी ले आते हैं। तो ये आ गया भाई वुडन वाला, ठीक है, वुडन वाली टाइले टाइप में थी ये, और यहाँ पर इस कोने में मैंने वुडन लगा दिया, ठीक है। तो ये जो सेंटर है ना, यहाँ पर लाइट जल रही है, तो इसके ऊपर मैं अगर वाइट लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर कोई और कलर लगाऊंगा तो अच्छा सा नहीं लगेगा वो, और चमकेगा नहीं, वाइट कलर बहुत अच्छे से चमकेगा रोशनी में, तो मुझे वही लगाना है। तो मैं वाइट कलर भी ले आता हूँ, तो मैं वाइट वाला भी ले आया हूँ भाई उठाकर। और यहाँ पर देखो ये रहा, तो देखो अब अलग ही लुक आ रहा है अब हमारी शॉप का। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से अपग्रेड कर दिया इसे, सारे कुछ पेंट पुंट कर दिया है, और मुझे ना यहाँ पर एक गेमिंग पीसी भी बनाना है, तो उसके लिए भाई मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे भी कम हो गए ना अभी। गेमिंग पीसी बनाने के लिए हमें कम से कम 4,000 या 3,000 डॉलर होने चाहिए हमारे पास में। यहाँ पर ये बंदे लगे हैं भाई अपना काम में, और यहाँ से मैंने पैसे इकट्ठे नहीं किए थे, तो मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। तो ये लो, ठीक है, तो अभी और भी पैसे यहाँ से इकट्ठे कर लेते हैं। और वेंडिंग मशीन में भी थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं, तो वेंडिंग मशीन से भी हम पैसे निकाल लेंगे, तो हमारे पास थोड़े बहुत अच्छे पैसे हो जाएंगे, यानी हम गरीब नहीं है भाई। तो वेंडिंग मशीन का भाई पैसा मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से सामान नहीं उठाया। तो यहाँ से मेरे को 110 डॉलर मिल चुका है भाई, और वैसे मैंने 210 डॉलर कुछ ऐसे 200-250 डॉलर मैंने खर्चे थे सामान के लिए, और 110 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से। तो थोड़ा बहुत सामान और रह गया था, मैं वो भी लेने आ गया हूँ। अभी मैंने ना देखो यहाँ पर सोफ़ा खरीदा है, 2 सोफे अलग से खरीदे सिंगल वाले, और एक 3 सोफ़ा सेटर खरीदा है। और ये जो टेबल है ना, ये मैं जान के लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। तो ये जो सोफ़ा है देखो, एक ये रहा सोफ़ा, सस्ते वाला सोफ़ा है, एक ये है और एक ये है,
जिसमें तीन बंदे बैठ सकते, हम फाइव सीटर सोफा लेके आए हैं पूरा उठाकर, पांच जने हम बैठा सकते हैं। तो ये देखो, एक मिनट रुको, अच्छे से नहीं लगा के इसे यार, अच्छे से कोने से चिपकाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये जगह बहुत ज़्यादा घेरेगा और मैं नहीं चाहता कि जगह हमारी कम पड़े। चलो अब ठीक लग रहा है। और इसी के साथ में मैं बचे कुचे दो सोफे ना ये भी लगा देता हूँ। अब पता है क्या होगा, यहाँ पर जब भी कोई कस्टमर आएगा सामान लेगा तो भाई वो यहाँ पर रुकेगा और वेट करेगा कि जब अदर पर्सन है ना जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपना पीसी से उठे, फिर उस बंदे की नंबर आए। नहीं तो हर बार पता क्या होता था, जब भी कोई सामान लेने आता था तो वहाँ से सीधा निकल जाता था, क्योंकि यहाँ पर कोई होता नहीं था ना वेटिंग के लिए। तो मैंने वो सामान ले लिया है और अभी मैं आ गया हूँ टेबल लेने के लिए, ये पता नहीं क्यों बाहर पड़ा हुआ है, तो मैंने अंदर फेंक देता ना। चलो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भाई देखो सोफे पे अब हमारे कस्टमर बैठेंगे, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा वेट करने के लिए मिलेगा और हमारा चांस बढ़ जाएंगे पैसे कमाने के। तो यहाँ से मुझे टेबल चाहिए, रुको, तो सस्ते वाला टेबल, सस्ते और अच्छे वाला टेबल मुझे कांच वाले ही लगते हैं, $210 के, बाकी $300 के हैं और बहुत महंगे पड़ते हैं वो। और ये बन से $170 का ये था, तो 210 170 इसे कर देते हैं पे। एक मिनट अब होएगा पे, ठीक है, तो हमने उसे पे कर दिया है और अभी यहाँ से हमें ये टेबल लेके चलना है, इसे भी उठा लेते हैं अपने हाथों में। और ये रही हमारी कुर्सी, ठीक है, तो ये दो मैं लगा दूंगा, आज मैंने बहुत काम किया भाई, यही दो चीज़ें मैं लगाने वाला हूँ। इसके अलावा हम अब जो भी पीसी बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने की ट्राई मारेंगे जल्दी से जल्दी। तो मैं इसे साइड में इधर सेंटर में लगाने वाला हूँ, ठीक है, तो इधर सेंटर में इसे लगा देते हैं। तो अब देखो तुम्हारे सामने ही है हमारा एक कस्टमर सोफे पे बैठा है, और ये वाला जो कस्टमर है ना ये अपना भाई सामान सुमून लेने के बाद में ना वापस से सोफे पे बैठ जाएगा, तो इसे उठा लो। और यहाँ पर देखो ये सोफे पे बैठ चुका है, तो आज हमने काफ़ी काम किया है, हमने अपनी शॉप को अपग्रेड कर लिया है, बस अब हमें एक गेमिंग पीसी बनाना है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और पैसे भी लगेंगे, तो उसमें मेरे को थोड़ा टाइम सा लग सकता है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है अब हमारे गेमिंग क्लब का लुक, तुम कमेंट मार कर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वाली तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर भी करो, 1000 सब्सक्राइबर के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो जल्दी से कर लो यार 1000 सब्सक्राइबर। तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हूना मटाना।